फोर्ड तो इंडिया से जा चुकी है, बट फोर्ड की लेगेसी अभी तक इंडियन मार्केट से नहीं गई है। हमारे पास है यहाँ पर फोर्ड इंडीवर जो कम्प्लीटली कस्टमाइज हुई है, और हमारे साथ हैं द एडवेंचर के रास्ते इब्राहिम भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया अमन भाई, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, फोर्ड इंडीवर में आपने क्या क्या लोडिंग्स करी हैं आज इस गाड़ी में? हाँ। ये गाड़ी सबसे खास बात बताऊँ आपको, ये भोपाल इंदौर से चल के आई है अपने पास खास काम होने। अरे वाह, इंदौर से आई है, सोचो भोपाल। तो क्या कुछ मतलब कैसी कंडीशन थी गाड़ी की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ये गाड़ी इसका अंदर से पूरा पेंट खराब हो चुका था। अच्छा। और काफ़ी सारे डेंट से, क्योंकि ये गाड़ी 2016 मॉडल है, सात साल पुरानी गाड़ी है। हाँ। अभी तो चमक रही है बिल्कुल नई की तरह। अभी तो ऐसी लग रही, शोरूम अगर खुला होता ना, शोरूम में खड़ी कर देते तो इंसान बोल ही नहीं पाता कि यार गाड़ी पुरानी है। इतनी प्यारी, मतलब 7 साल पुरानी को आपने बहुत ज़्यादा रिस्टोर कर दिया। इसको पूरा घिसाई करवा कर, अंदर पुट्टी मसाला भरवा कर, सारे जितने डेंट्स थे वो सारे रिपेयर करे थे। बॉडी लाइन से पूरी सीधी करी गाड़ी, प्रॉपर सारा बॉडी लाइन मिलाई। उसके बाद फिर इस पर मेन जो चीज़ करी अपन ने वो है ब्लैक पीपीएफ। अच्छा। ब्लैक कलर पीपीएफ करा है टीपीयू में। अच्छा, टीपीयू क्वालिटी में। टीपीयू क्वालिटी, 3 साल की वारंटी, 5 साल की लाइफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मार्केट के अंदर एक तो कलर्ड पीपीएफ आती है और एक अपनी ट्रांसपेरेंट पीपीएफ, तो ट्रांसपेरेंट पीपीएफ कब करवानी चाहिए? ट्रांसपेरेंट पीपीएफ अपन जब करते हैं जब गाड़ी नई हो। अच्छा। जिसमें स्क्रैचेस नहीं आए हो, स्क्रैचेस भी अगर सॉइल मार्क्स तक तो चलता है। सॉइल मार्क्स क्योंकि अपन डिटेलिंग करते हैं पीपीएफ से पहले, तो सॉइल मार्क्स को छुपा देते हैं, सॉइल मार्क्स उसके सारे खत्म हो जाते हैं। पर अगर गाड़ी पे ऐसे स्क्रैच आ गए हैं जिससे उसके पेंट निकल गया हो, अब जाहिर सी बात है पेंट तो नहीं कर सकते ना अपन, तो हाँ ऑब्वियसली बात है पीपीएफ में पेंट तो नहीं सकता, उस पर कलर्ड पीपीएफ होना माइंडेड हो जाएगा उस पर। फिर ट्रांसपेरेंट पीपीएफ से कुछ काम नहीं कर सकता। अगर ट्रांसपेरेंट पीपीएफ करूंगा भी तो वो और एनहांस हो जाता है। अच्छा, मार्केट के अंदर जैसे बहुत सारे कलर्स की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो कलर्ड पीपीएफ अवेलेबल है या फिर ब्लैक और व्हाइट में ही अवेलेबल? कलर्ड पीपीएफ अभी तक अपन ने करा है वो व्हाइट और ब्लैक बस। Okay. वो भी व्हाइट सिर्फ एक ही गाड़ी में हुआ है, ब्लैक तो बहुत कर चुका हूँ मैं गाड़ियाँ। हाँ, व्हाइट सिर्फ वो बहुत मुश्किलों में, काफ़ी रेयरली मिला था व्हाइट पीपीएफ, वो भी बहुत जुगाड़ लगाई थी मैंने तब जाके मिला था। Okay. पर अभी इजीली अवेलेबल नहीं है कलर्ड पीपीएफ। बाकी गाड़ियों पर रैप करते हैं अलग अलग रंग का, जो दूसरी रैपिंग होती है फिर तो रैपिंग विनाइल वगैरह अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, तो वो आप करा सकते हो, बट इस पर ब्लैक पीपीएफ बहुत जच रहा है। हाँ, इस पर ब्लैक पीपीएफ के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें करी हैं, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या किया। अब जैसे मस्टैंग स्टाइल हेडलाइट्स तो इसमें बाय डिफॉल्ट कस्टमर को मिली थी, तो वो लेकर ही आया था। ग्रिल जो थी, ये ग्रिल अपन ने ओरिजिनल मस्टैंग स्टाइल ग्रिल लगाई है, इसमें जो लगी हुई ग्रिल आई थी वो उन्होंने कॉपी कर दिया था एक तरह का मस्टैंग स्टाइल, वो जुगाड़ वाला काम करते हैं ना जैसे। हाँ, बाहर जो मार्केट में होता है नॉर्मली। तो उसमें क्या करा था उन्होंने, ये जो ओरिजिनल ग्रिल थी उसका सिर्फ ये फ्रेम ले लिया था। अच्छा। और बीच में वो ये पूरी जो ओरिजिनल ग्रिल थी वो हटाकर एक वो मुर्गा जाली जो चलती है। अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। मुर्गा जाली लगाकर और बीच में लोगो लगा दिया था फोर्ट का। Okay. पर वो भी टूट गया था, तो वो बहुत बढ़िया कंडीशन में थी, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा जो उनकी पुरानी फोटोज में चलती रहेगी, आप कंडीशन देख लेना जो पुरानी। फिर उसके बाद बम्पर जो था पूरा रिपेंट था। Okay. बम्पर को पूरा स्क्रैप करना पड़ा, क्योंकि एक और खास बात बताऊं मैं आपको। हाँ। पीपीएफ हो, भले ही चाहे वो ट्रांसपेरेंट, भले ही चाहे वो कलर्ड पीपीएफ। हाँ। अगर रिपेंट गाड़ी है तो उस पर पीपीएफ पकड़ नहीं करता। अच्छा। रिपेंट भी फर्क उसमें समझ में आएगा, रिपेंट अगर शोरूम से हुई है तो नेचुरल सी बात है क्वालिटी वाइज अच्छा होगा पेंट, पर अगर आफ्टर मार्केट पेंट करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पेंट के साथ, तो वो पेंट में क्वालिटी नहीं आ पाती और वो पीपीएफ जो होता है पेंट लेकर निकल वापस आ जाता है। हाँ, शोरूम पे भी हो सकता है कि आपको ऐसा पेंट कर दें वो। हाँ। कि वो पेंट लेकर आ जाए पीपीएफ, तो शोरूम से भी अगर पेंट करा रहा हूँ तो पेंट की क्वालिटी एक बार चेक करें उसके बाद ही करवाएं सही। पीपीएफ जो बम्पर रिपेंट आया था। हाँ। और उसमें ये वाला जो पार्ट था ये उन्होंने ब्लैक फुहार आ गई थी पेंट की, तो उसको हल्का सा डल ब्लैक सा उड़ा दिया था। अच्छा। तो उसको फिर ओरिजिनलिटी के हिसाब से हमने सिल्वर पेंट करा, जो सिल्वर आता है ये सिल्वर कंपनी से आता है, इसको सिल्वर पेंट करा। इसके फॉग लैम्प्स बिल्कुल डेड थे, फॉग लैम्प चल नहीं रहे थे, तो इसमें डीआरएल वाले फॉग लैम्प्स लगाए। हाँ। और इसमें इंडिकेटर फंक्शन भी है प्लस फॉग लाइट वाली भी है अवेलेबल है इसके अंदर। अच्छा, जैसे मार्केट से जा चुकी है अब जैसे कंपनी, तो इसकी एसेसरीज आराम से अवेलेबल हो जाती है क्या कभी, मतलब कोई सेकंड हैंड कार परचेस करे और मॉडिफिकेशन कराने का सोचे? मेरा खुद का इरादा है कभी। हाँ। अगर मुझे एंडेवर मिली, इससे अच्छी गाड़ी नहीं है मार्केट में, फॉर्च्यूनर फेल है। अच्छा। मेरी नज़रों में फॉर्च्यूनर की कोई राइड क्वालिटी नहीं है इसके मुकाबले, इसका जो कंफर्ट और इसकी जो राइड क्वालिटी है। हाँ। वो फॉर्च्यूनर मैच कर ही नहीं सकती, और जितने भी एंडेवर ओनर थे वो खुद भी इस बात को जानते हैं, और बहुत सारी एंडेवर बेच भी नहीं रहा लोग। हाँ, इसी कारण कोई एंडेवर बेच नहीं रहा कि भाई ये गाड़ी अब नहीं मिलना। हाँ। प्लस इसके साथ ये तो अपन ने एक बेसिक मॉड्स करें, इसमें एक और रैप्टर किट आती है। अच्छा। हाँ, रैप्टर किट जो देखा है, रैप्टर किट आती है, पहले वो भी सजेस्ट करी थी मैंने, पर उनका थोड़ा सा बजट इतना नहीं था, वो लगभग 4.5 लाख की पड़ती है रैप्टर किट। उसमें पूरा बोनेट चेंज जाता है, फेंडर्स चेंज आते हैं, बम्पर, ग्रिल, हेडलाइट, इतनी बड़ी तो उसमें हेडलाइट आती है। वाह यार,
तो वो बाहर जो चलती है रैप्टर वो है फोर्ड रैप्टर, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी। और एक और अब इसमें रैप्टर के साथ साथ एवरेस्ट किट भी आ गई है, जो अब इंडेवर नहीं आती है अगर, हाँ जो फेसलिफ्ट आता है इंडेवर का, इंडिया में तो लॉन्च हो नहीं पाया क्योंकि चली गई फोर्ड। तो अगर फोर्ड इंडेवर अभी भी चल रही होती तो एवरेस्ट के नाम से बाहर ग्लोबली एवरेस्ट के नाम से चलती है इंडेवर, हाँ तो उसकी अगर जो एवरेस्ट किट चाहे नई वाला मॉडल की तो वो भी आ गई है, वो भी अवेलेबल है। अगर पुरानी फोर्ड में इंडेवर में कराना है तो वो भी आप करा सकते हो, मतलब चॉइसेस अनलिमिटेड है, चॉइसेस बहुत हैं, इसके लिए सामान बहुत है। हाँ एक कैश मैं बताऊँ आपको, हाँ ये 2016 मॉडल है तो इसकी थोड़ा सा ग्रिल में फर्क था, इसकी बम्पर और ग्रिल में फर्क था, तो इसके लिए ग्रिल ऑप्शन थोड़ा कम है। 2018-19 के बाद जो फेसलिफ्ट आया थोड़ा सा इंडेवर में उसके लिए तो ग्रिल ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर इसमें एक दो ही ग्रिल मिल पाए, इसलिए पुराना 16 वाले में एक दो ग्रिल ही मिल पाई, लेकिन अभी की जो पहले वाली हैं अभी मतलब 2-4 साल पुरानी गाड़ी उनकी तो अवेलेबल है, उनकी तो बहुत सारी तरह की ग्रिल्स, फोर्ड लिखी हुई ग्रिल्स अवेलेबल है, एवरेस्ट लिखी हुई ग्रिल्स अवेलेबल है, उसमें फोर्ड लेटर्स में लाइट जलने वाली ग्रिल्स अवेलेबल है, वो जो चलती है मार्केट में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चलो बढ़िया है, तो फ्रंट से तो हमने देख लिए, अब चलते हैं साइड की तरफ। तो अब साइड लुक से हम बात करने वाले हैं कि इस एंडेवर के अंदर क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं, तो भैया बताइए प्लीज। साइड में सबसे पहला तो आप कैच है अलॉयज, ओके इसमें अलॉयज पुराने मॉडल के थे, नए मॉडल के अलॉयज लगाए जो अभी ये चेंज करें, जो लेटेस्ट 2021-22 तक आया था, जो डिसकंटिन्यू हुई है लास्ट पे गाड़ी, वाला अलॉय चेंज करा है। 2016 में पुराना आता है तो 18 इंच में जो नए वाले अलॉय व्हील्स हैं ये नए वाले अलॉयज लगाए, साथ में ये मस्टैंग स्टाइल वेंट्स लगाए साइड वेंट्स, इसमें DRL भी है वाइट और इंडिकेटर फ्लैशिंग भी है, अभी इंडिकेटर ऑन है तो इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, अभी वो ऑफ करेंगे तो वो दिख जाएगा, वो वाइट कलर में DRL रहेगी। प्लस ये साइड मिरर के कवर्स, इसमें जो इंडिकेटर कवर्स आते हैं वो सिर्फ छोटा सा एक इंडिकेटर देता है साइड में, हाँ वो भी अलग से लगता है, क्रोम रहता है पूरा, हाँ तो वो लगा हुआ था, वो चेंज करके इसमें रैप्टर स्टाइल इंडिकेटर कवर्स लगाए, ये भी बहुत सारा लग रहा है, सिचुएशनल इंडिकेटर इसमें भी आपको मिल जाते हैं। इसके साथ में साइड ओवरव्यू से, ये तो ओरिजिनल ही अपना पूरा, ये ओरिजिनल है, ये सारी चीज बस ब्लैक PPF का शाइन दिख रहा है और आपको आप क्लियर चमकते हुए, ये तो ऐसा लग रहा है मतलब इस चीज के होने से ना गाड़ी में एक नई जान आ गई है। अगर गाड़ी के अंदर आप कितना भी मॉडिफिकेशन कर लो, अगर पेंट अच्छा ना हो तो फिर कोई मतलब का नहीं रहता है, बट यहाँ पर PPF आप देखो और ज्यादा ग्लॉस दे रही है, काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मिरर फिनिश दे रहा है PPF अपना, ऊपर से नीचे पूरा करा है, रूफ भी पूरा कंप्लीट रूफ भी करी है, ये इसके सिल्वर ही आते थे इससे ही मैचिंग करके अपन ने अगले पिछले बम्पर का कॉन्ट्रास्ट करा है, पेंट करवाया वो लग भी रहा है और पूरा OEM वर्क हुआ है। अच्छा इसकी वारंटी क्या होती है, कुछ वारंटी भी होती है इस PPF की? देखिए 3 साल की वारंटी दी है मैंने और 5 साल की लाइफ है, 5 ईयर्स की लाइफ होती है इसकी और 3 ईयर्स की आपको और रखने लगाने पे, अगर आप चाहो तो खींच के इसको 7 साल भी चला सकते, 7 साल भी चला, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ से प्रॉपरली साफ सफाई करें, खारे पानी से बचाएं अगर, और शोरूम अगर जो कहीं वॉश स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादा लोग क्या करते हैं, रिन से सर्फ एक्सेल से वॉश कर देते हैं, गाड़ी को फिल्टर से वॉश कर देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो वो चीज कराने से बचें, फोम वॉश कराएं, फोम वॉश का जो शैम्पू आता है प्रॉपर फोम वॉश कराएं, या घर पे भी धुलवा रहा हूं तो प्रॉपर कार शैम्पू से धोएं और कपड़ा अच्छा दें और सर्फ एक्सेल से ना धोएं, हाँ हर किसी चीज से ना धोएं और कपड़े साफ सुथरे रखें। कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है तो ठीक है साहब कुछ स्क्रैचेस नहीं आएगा, पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ कितना साफ है, हाँ वो गंदा क्लॉथ यूज कर लिया या उसमें कोई पत्थर कंकर है उससे मार दिया तो स्क्रैच तो आएगा ही, पर ठीक है PPF करा है तो PPF काफी हद तक सिक्योरिटी देगा, पर PPF के अभी एक भाई आपके रखे लिमिटेशन है ना, PPF की लिमिटेशन, पेंट तो है नहीं, वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है एक्चुअली, वही है, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। चलिए अब बैक लुक में क्या कुछ हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, तो बैक लुक में हम आ चुके हैं, अब बैक से क्या कुछ चेंजेस हुए हैं भैया थोड़ा सा बताइए। बैक में पिलर लाइट्स दिख रही होंगी आपको सबसे ऊपर, तो ये चेंज ये क्या चाहिए, और ट्रंक लाइट इसमें क्रोम आती है विदाउट लाइट्स, तो ये ट्रंक लाइट अपन ने चेंज करी है, अभी इसमें पार्किंग ऑन है तो व्हाइट जल रहा है और जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लाइट आ जाती है रेड कलर में, रेड कलर की ब्रेक लाइट फ्लैश होती है और नीचे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, ये रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हैं। तो बैक लुक से काफी अच्छा लुक अब गाड़ी का आ चुका है, एंड यहाँ पर टाइटेनियम है और 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन है, काफी भारी भरकम इंजन है इसका, तो पावर के साथ में अब लुक्स भी एड ऑन हो चुके हैं गाड़ी के अंदर। एंडेवर में दो इंजन आए थे अमन भाई, एक तो 2.2 आया था और एक ये 3000 cc, ये 3000 cc वाला इंजन है, फाड़ू इंजन है बहुत कमाल का है, अभी जब आ रहे थे तो सुन रहे थे ना आवाज़ इसकी, भयंकर इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है ये गाड़ी का। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो भैया अंदर से क्या कुछ किया है हमने? अंदर अपन ने इसका इंटीरियर बहुत बुरे हालत में आया था अमन भाई, हाँ बहुत ही गंदा हो रहा था, इसके कुछ मैं बिफोर शॉट्स भेजूंगा आपको, हाँ। उसमें समझ में आ जाएगा, ये तो अभी चमक गया नई की तरह, वरना ये पूरा मेला पड़ा हुआ था बुरे हाल थे। ओके, और इसमें इंटीरियर क्लीनिंग करी है, क्लीनिंग के साथ साथ हमने K4 अल्ट्रा 10 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है, सिंफनी मोड वाली। अभी इसका सिंफनी फंक्शन ऑन है। ओके अब ये मैं इसको, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है,
ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद में आप आराम से मोबाइल के थ्रू इसको ना यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है ये और बहुत बढ़िया वर्क करता है। कार्डी बेस्ट कंपनी है जो ये पूरा एम्बिएंट लाइट मैन्युफैक्चर करती है, और ये तो इसकी K4 सीरीज़ है जिसके अंदर आपको सिम्फनी मोड मिलता है, तो ये तो बहुत धासु लगती है अंदर से। तो एक बार भैया इसको कनेक्ट कर लें, उसके बाद में इसके अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं वो हम आपको चेक कराते हैं। ये सिंगल कलर ऑप्शन है सारे K4 के। हाँ, जो जो मैं करता जा रहा हूँ वो कलर बदलते जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक के साथ साथ ब्राइटनेस इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गई, अब ब्राइटनेस बढ़ गई, तो इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकता है ड्राइवर अपने हिसाब से। अब जो मेन कैच है इसका, इसके सारे मोड्स वो आ गया, इसके मोड ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे सारे ये ढेरों मोड्स हैं। ये फॉरवर्ड ड्रीमिंग सबसे ज्यादा चलने वाला मोड है, सिम्फनी मोड जो कहते हैं अपन। बाकी ये ढेर सारे इसमें मोड्स ही हैं अलग अलग, वो सारे अलग अलग मोड चेंज होते जा रहे हैं। ये देखिए आप, साथ में एटमॉस्फेयर लाइट भी है यहाँ पर, तो लेगरूम स्पेस में भी लाइटिंग रहेगी। तो गाइस इसी के साथ में फोर्ड एंडीवर की ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। भैया का भी इंस्टाग्राम का पेज है द एडवेंचर गैराज नाम से, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। भैया जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं वो इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं, है ना भैया? जरूर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा मॉडिफिकेशन हमारे साथ में शेयर करा। और भैया के पास आप आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।